नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर की पीएपी ग्राउंड में सीएम योगशाला का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये योगशाला स्वस्थ और रंगला पंजाब के निर्माण में होगी सहाय। फिलौर पुलिस ने लूटपाट व चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के 3 सदस्यों को किया काबू। यमुनानगर की आईटीआई के नजदीक एक मोबाइल शॉप में लगभग 20 लोगों ने घुसकर गुंडागर्दी का किया नंगा नाच। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। और अब हलचल विस्तार से। सीएम की योगशाला को योग लहर में बदलने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के 50,000 से अधिक लोगों को योग करवाने की अगुवाई की। पीएपी ग्राउंड जालंधर में सीएम की योगशाला में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए योग करवाने का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को मानसिक और शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त बनाना है। इस समागम में समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उम्मीद जाहिर की है कि सीएम की योगशाला सेहतमंद और रंगले पंजाब के निर्माण के लिए बहुत सहायक होगी। उन्होंने कहा कि इस नेक कार्य के लिए हजारों की संख्या में पंजाबियों ने उनका साथ दिया है और वह दिन दूर नहीं जब पंजाब स्वस्थ और पुरातन शान वाला राज्य होने का मान दोबारा हासिल करेगा। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, सांसद सुशील रिंकू, कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह, डॉक्टर बलबीर सिंह, ब्रह्मशंकर जिम्पा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए वेणु प्रसाद, विधायक रमन अरोड़ा, विधायक शीतल अंगुराल सहित हजारों लोगों ने इस योगशाला में भाग लिया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बड़ा वधिया लग रहा देख के कि अज असी सीएम योगशाला दे विच इन्नी भारी गिणती दे विच कट्ठे होए हैं। मैनू दस्या गया कि लगभग 15,000 दे करीब लोग, बुजुर्ग, नौजवान, वीर, मावां, भैणां इत्थे पहुँचे ने। कोई गिणती मैंने नहीं रखती, मैंने रखती है इच्छा शक्ति। की करना आया इत्थे? इत्थे कोई शक्ति प्रदर्शन करनी आए? इत्थे आपा ध्यान, आपा अपना, बहुत सारे बिजी हो, सारे ही लोग बिजी ने। जे बिजी ने तो फिर काम दा प्रेशर भी बहुत है, टेंशन भी बहुत है, डिप्रेशन भी बहुत है। तो एको एक चीज है जो भारत की प्राचीन काल तो चली आ रही है, योगा। योगा नूं जे तुसीं इह ना मन्नो के इदा एक मैट ते बह के योगा हो जांदा। योगा तां आपां जिंदगी च हर रोज़ हर दिन करदे आ। दो चार वड्डे वड्डे साह लै लो, योगा। उबासी लैने और नाल आ भी करते हैं, योगा। मोबाइल डिग पिया ऐ चकते हैं, योगा। हर गल च योगा है। वो अलग गल है कि अज आप कट्ठे इस करके हो कि योगा नू दसो कि किवें हो सकता है। मैं सीएम साहब का धन्यवाद करना जी। उन्होंने देखो तुसी असी 12,000 सोचा सी, 18,000 लोग आए हैं। उन्होंने एक जाग लाने वाली गल है, किहड़ा मुख्यमंत्री सवेरे अमृत वेले आके लोगों नूं योग करांदा जी। उहदे नाल एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया इहदा पूरे पंजाब दे विच, देश दुनिया दे विच, जिथे भी पंजाबी रहिंदे आ जां साडे देशवासी रहिंदे आ। इहदे नाल सीएम साहब कहिंदे आ वी योग जरूर करो, रोज़ करो और करना चाहीदा। इह तुहाडे अपने वास्ते आ, जे तुहाडी सेहत ठीक नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਬੰਗਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 90% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ
ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ। ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਹ 4th ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਹੈ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਵਸਥ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ 60,000 ਤਕਰੀਬਨ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, CM ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਅੱਜ PAP ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਆਪਾ ਦਾਪੀ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਨੱਠ ਭੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। DSP ਫਿਲੌਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇ ਥਾਨਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਫਿਲੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਟੀਮ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਓ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਲੁਟਪਾਟ ਔਰ ਚੋਰੀ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਮੇ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗ ਕੇ 3 ਸਦਸਯੋ ਕੋ ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਮੇ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ DSP ਫਿਲੌਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀਓ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਗਾਓ ਚੂਹੜਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਛਹੋਲੇ ਬਾਜੜ ਥਾਣਾ ਫਿਲੌਰ ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਫਿਲੌਰ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰੋਪੀਓ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ 6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੇ ਇਲਾਵਾ 3 ਕਿਲੋ ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਤਾਂਬਾ, 2 ਲੋਹੇ ਕੇ ਗਾਡਰ, 10 ਲੱਕੜ ਕੇ ਬਾਲੇ, 13,700 ਰੁਪਏ ਕੀ ਨਕਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪੁੱਛਤਾਛ ਮੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀਓ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਲੂਟਪਾਟ ਔਰ ਚੋਰੀ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੇ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰੋਪੀਓ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਆਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਸੇ ਔਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨੇ ਖੋਏ? ਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਏ? ਫਗਵਾੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਥਾਣਾ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ,
ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਂਟਡ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀਗੇ ਅੰਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਟੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਚੋਰ ਇਹ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡਾ ਥਾਣਾ ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਾ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। यमुना नगर की आईटीआई के नज़दीक गिनी मोबाइल शॉप पर जमकर गुंडागर्दी हुई। इस दौरान 15 से 20 लोग डंडों, रॉडों और गंडासी के साथ हमला करते हुए दुकान में घुसे और जमकर तोड़फोड़ की। तो वहीं यह सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। इस घटना के बाद वहां से निकल रही डायल 112 की गाड़ी वहां पहुंची और उन्होंने थाना फरकपुर को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद थाना फरकपुर और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची और दुकान मालिक के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यमुनानगर से हलचल के लिए लोकेश कुमार की रिपोर्ट। एक्चुअली हम ओनर है, मैं और मेरा छोटा भाई इस दुकान को डील करते हैं। मेरा नाम परविंदर सिंह है और प्रिंस मैं दोनों, हम दोनों भाई यहाँ पे होते हैं। हम एक्चुअली कस्टमर अटेंड कर रहे थे तो एकदम से कम 10 से 12 लड़के अंदर आए। पहले उन्होंने बाहर से तलवारें चलूरे मारी इसके ऊपर, टफन के ऊपर। ये टफन है सर, टूटा नहीं। उसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला और इंटे मारनी शुरू करी। मेरा एक दोस्त है रामजीत, वो सामने बिल्कुल सर बिल्कुल खड़ा, जहाँ पे वो सामने वाला गेट है उसके सिर पे ईंट लगी, उसके पट्टी बंधी हुई है अभी भी। हम साइड में हो गए सर, हम सारे ऊपर चले गए। उन्होंने सर सारी दुकान तोड़ दी अंदर से इस गंडासी के साथ। और जब ऊपर हमने भी ऊपर से ईंट चलाई है, ईंट लगने के बाद जिस लड़के के हाथ में गंडासी थी वो गंडासी छोड़ी और वो सारे भाग गए सर। यहाँ कोई सीसीटीवी भी है? हाँ जी सर, सीसीटीवी कैमरे बाहर अंदर दोनों तरफ लगे हुए हैं दुकान के। इनके साथ सुलह भी होगी थी, उसके बाद हमें नहीं पता था अगले बंदे दिल के अंदर रंजिश रख के चल रहे हैं, क्योंकि हम दुकानदार हैं। इन्होंने 4-5 बार पहले भी फोन करा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इनको अवॉइड करते हैं क्योंकि हमने दुकानदारी करनी है जी। हमें ये नहीं पता था, आज भी उन्होंने दारू पी के सर फोन करा और उसके बाद ये सीधा दुकान पे हमला करने। आपको पता है वो कौन लोग हैं जो? हाँ जी पता है सर। आज हम किसी और कंप्लेंट से जा रहे थे तो यहाँ देखा भीड़ हो रही है, हम यहाँ रुके तो देखा यहाँ अंदर तोड़फोड़ हुई है, तो हमने अपने एसएचओ को फोन कर दिया, वो पहुँचने वाली है। बरनाला के प्रत्येक बाजार, मार्केट और शहर से आने जाने वाले रास्ते पर तकरीबन 10 जगह नाकाबंदी कर चेकिंग की गई। पुलिस द्वारा पीसीआर की टीमों को बाजारों में गश्त पर लगाया गया है। आए दिन सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार चोरों और डकैतों द्वारा महिलाओं से पर्स, सोने की चेन, बालियां और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। आए दिन इन बढ़ती स्नैचिंग की वारदातों पर नकेल कसने के लिए डीजीपी पंजाब की तरफ से जिला पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते बरनाला SSP संदीप मलिक के दिशा निर्देशों पर बरनाला पुलिस प्रशासन की तरफ से बरनाला के सभी आउटर एरिया और शहर बाजारों में सख्त नाकाबंदी की गई है और हर उस गाड़ी सवार को चेक किया जा रहा है जो मुंह पर कपड़ा बांधकर सड़कों पर मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। चेकिंग के दौरान सिटी थाना इंचार्ज SHO बलजीत सिंह ने बताया कि आए दिन चोरी की बढ़ती वारदातों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की तरफ से जगह जगह नाकाबंदी की गई है और जो मोटरसाइकिल स्कूटर सवार मुंह पर कपड़ा बांधकर बाजारों में नजर आ रहे हैं उनको विशेष तौर पर रोक कर चेक किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन चोर लुटेरों द्वारा गर्मी की आड़ में मुंह पर कपड़ा बांधकर इन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके चलते बरनाला पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर चेकिंग की जा रही है। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आजकल गर्मी दे सीजन दे दौरान काफी लोग मुंह बन के घूमते रहते हैं, जिदे विच नौजवान मुंडे जां कोई शक्की व्यक्ति भी इहदा फायदा लै जांदे आ। उह शक्की व्यक्ति शहर दे विच गाहे बगाहे चोरियां जां स्नैचिंग कर जांदे आ। इसे सिलसिले दे विच ही शहर बरनाला दे विच वख वख बाजारां विच नाकाबंदियां कीतियां होईयां ने, क्योंकि सानूं मानयोग DGP साहब पंजाब ते SSP साहब बरनाला दियां वख वख समें ते हदायतां हुंदियां रहिंदियां ने कि इस तरह के जिहड़े शक्की व्यक्ति ने जिहड़े मूँह बन के घूमदे ने उहनां नूं चैक कीता जावे। जिहड़े शक्की व्यक्ति क्राइम दे विच इनवॉल्व ने उन्हां फड़ के अंदर दिता जाए। इस सिलसिले दे विच अज साडे बरनाला शहर दे विच सारे ही बाजारां विच सारे ही चौंकां दे विच नाकाबंदी की गई है, तां जो जिहड़े क्रिमिनल बंदे आ उन्हां नूं फड़िया जा सके।
नगर निगम चुनावों का बिगुल लगभग बज चुका है। निगम प्रशासन की ओर से 80 से 85 वार्डों की वार्डबंदी का नक्शा जनता व नेताओं के लिए डिस्प्ले कर दिया गया है, जिसके चलते एक सप्ताह तक कोई भी वार्ड बंदी पर एतराज जता सकता है। इस संबंधी जानकारी देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर राजेश खोखर ने बताया कि सरकार की शिकायतों पर जालंधर शहर की नई वार्ड बंदी का नक्शा जनता के लिए डिस्प्ले कर दिया गया है। जनता एक सप्ताह तक एतराज दाखिल कर सकती है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद महेंद्र सिंह गुल्लू, कांग्रेस नेता हरीश ढल भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं मित्र सिंह गुल्लू जी, नक्शा जो बनाया इन अफसर ने सोच के बनाया, उन्होंने जो मर्जी कह जो इन्होंने कराया वो वही ठीक रहना जी। कही जो ना कही करना इन कर्तव्य की कहोगे ना सा कुछ होना, जो कर्तव्य हो गया वाह जो हो सब। मैं वार्ड नंबर जो पुराना 33 है और नवा 46 है, ढल साहब मेरे मदर काउंसलर, मैं उन्होंने बेटा। और अज मैनू पता लगा सी कि जिहड़ा नगर निगम दे विच नक्शा जिहड़ा वो आ गया, मैं वो नक्शा देखण ही आया सी। मैं किसी काम आया सी ते मैं मैनू पता लगा कि नक्शा है, तो मैं उहदे बारे चलो कोई वार्ड दे विच भी काफ़ी छेड़खानी जिहड़ी कीती गई है, ये वार्डबंदी का ही जिहड़ा एक हिस्सा हैगा। ये बारे मैं प्रोपर नक्शा हले देखिया भी नहीं हैगा, देखण नू मिलिया भी है नहीं, नोटिफिकेशन भी पता नहीं लग रहा। बाकी जदों प्रोपर नक्शा आ जाएगा तो वो एतराज भी आप देंगे। सरकार की हिदायतों मुताबक ऑब्जेक्शन मंगन जनरल पब्लिक वालों 7 दिन नक्शा पब्लिश किया गया। 7 दिन के अंदर अंदर पब्लिक का कोई भी बंदा नक्शा देख सकता, नोटिफिकेशन देख सकता, तो अपने कार सबमिट कर सकता। इस टोटल 85 वार्ड है जी, पहले 80 वार्ड से लेकिन पॉपुलेशन बदन करके 85 वार्ड हो गया। जालंधर में 85 वर्ष के एक बुजुर्ग से घर में घुसकर मारपीट की गई है। बुजुर्ग केवल कृष्ण ने इसकी शिकायत थाना 2 के SHO से की है। केवल कृष्ण का कहना है कि नशे की हालत में उसके घर में घुसकर अमित हंस ने मारपीट की। इस संबंध में केवल कृष्ण ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसका पोता अमित हंस चिट्टे का आदी है। रात में नशे की हालत में उसने उनके घर में घुसकर मारपीट की और पैसे मांगे। पैसे ना दिए जाने से उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने पुलिस से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वही थाना डिवीजन नंबर 2 के प्रभारी गुरप्रीत सिंह ने कहा कि गुरुदेव नगर के रहने वाले 85 वर्षीय केवल कृष्ण की शिकायत पर अमित हंस की धर पकड़ करने को लेकर छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक वह फरार है। थाना प्रभारी ने कहा कि वह जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो जी, मैं तो इंसाफ चाहता वा, जिदा मेरे घर आ के मेरे फादर साहब सीनियर सिटीजन है, इन्हें अचानक हमला किया वा, तो इस जी बनती कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई बनती है। जिदा मान लो साढ़े घर का समान इन्हें तोड़ फोड़ की है, 452 भी बनती है, तो इरादा कतल भी बनता वा। जिदा फादर साहब मेरे हार्ट के मरीज आ, उन्होंने पेसमेकर पिया है, 28 तरीक में उन्होंने ऑपरेशन आ जी, उन्होंने डब्बी चेंज होनी, पेसमेकर चेंज होना वा, तो इन्हें अचानक आकर साढ़े घर मुंडिया नाल आकर साढ़े घर हमला किया वा, तो ये 452 लाई जाए। मेरी कानून के अगे यही हाथ जोड़ के बेनती है कि मैंने इंसाफ दिता जाए, तो जिदा इन्हें कतल इन्हें हमला किया मेरे बाप दे, मेरी वाइफ दे, ते मेरी मदर दे, ते इहदे इरादा कतल दे उत्ते केस पाया जाए। ये कल बाद दोपहर एक केवल कृष्ण हैगे ने जी, गुरदेव नगर के रहने वाले आ, 84-85 साल उन्हां दी उम्र है, और उन्होंने सानू एक कंप्लेंट दिती कि उन्हां दा पोतरा है वो नशे करन दा आदी है, और संगत सिंह नगर की 15 नंबर गली दे विच रहिंदा है, उहदा नाम हैगा अमित हंस, और वह नशे की पूर्ति वास्ते इन्हां कोलों अपने दादा दादी कोलों अगे भी पैसे वगैरह मंगदा सी, और कल भी पैसे लैन कि करीब 12:30 के करीब इन्हां दे कोल आया, और इन्होंने उन्होंने पैसे देने तो मना किया, और इन्हें गुस्से जा के उन्हां नाल हथोपाई की, और इन्हें अपने दादे नूं धक्का मार के भी सुटिया। वो भी असी CCTV फुटेज वगैरह भी चैक करके और वो मुताबिक जो भी बनती कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो घर असी रेड भी किया, वो घरों दौड़िया होया, राती भी रेड किया, सवेरे अर्ली फिर भी किया, और वो घर नहीं मिल रहा। पीस गुड्स एसोसिएशन अमृतसर के नव निर्वाचित प्रधान OP बुलानी ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ श्री दुर्गियाना मंदिर में माथा टेका। उन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री हनुमान मंदिर तथा श्री शीतला माता मंदिर में भी माथा टेका। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उन्हें सिरोपा व प्रसाद देकर सम्मानित किया।
इस मौके पर ओबी बुलानी ने कहा कि लगभग 100 वर्ष पुरानी व्यापारिक एसोसिएशन के 12 वर्ष बाद चुनाव हुए थे। व्यापारियों ने कड़े मुकाबले में सिर्फ एक वोट के अंतर से जीत दिलाकर उन्हें सेवा का मौका दिया है। उनकी टीम जहां व्यापारियों के हितों के लिए काम करेगी, तो वहीं उनकी समस्याओं के हल के लिए भी हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि आज भगवान से नेक कार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस मौके पर महासचिव रामपाल मेहरा, संयुक्त सचिव मुनीश वाही, लाजपत राय खन्ना सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जन्म सचिव रामपाल मेहरा, अभी इतने आए हैं व्यापारी की समस्या का, प्रभु करे सब सुख शांति देवे, व्यापार वधे और सारे अभी रल मिल के ऐसे उनका काम वधिया करिए ताकि साढ़े जिले से उनका नाँ रोशन हो सके। जी 100 साल पुरानी संस्था जी है उन्होंने ना उजागर कर सके कि लोग याद करें कि असी कोई काम किए और असी परमात्मा के प्रार्थना करने हैं कि सारे व्यापारियों की सारी की जो भी समस्या है असी वो तो वह कोशिश करके उन्होंने हल करिए। मैं ओपी बुलानी, प्रेजिडेंट अमृतसर पीस गुड्स एसोसीएशन कटरा लुहालिया। अज असी अपनी पूरी टीम के नाल असी लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन कर आए हाँ, तो अरदास कर आए हाँ कि साढ़े जिन्हें भी व्यापारियों का जरा समस्यावान है या व्यापारियों के भले वास्ते, सारे वास्ते, व्यापार के वाधे वास्ते असी इतने ठाकर जी के अगे अरदास कर आए हाँ। अब साड़ी टीम के सारे जने इतने आए हैं, साढ़े जनरल सैकटरी साहब रामपाल मेहरा जी है, वाइस प्रेजिडेंट साहब साढ़े आशु बत्रा जी, असी इतने ठाकर जी के अगे अरदास कर आए हाँ ताकि साडा जिहड़ा एसोसिएशन है वह भी भली भांति चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण दे विच चले। भारत स्वाभिमान न्यास जालंधर द्वारा साईं दास स्कूल पटेल चौक जालंधर में योग शिविर के अंतिम दिवस भारत स्वाभिमान न्यास जालंधर के महामंत्री सतविंदर सिंह कुंदी द्वारा लगाया गया, जिसमें योग शिक्षक कविता कक्कड़, रोजी छाबड़ा, अजय मल्होत्रा, अमजीत सिंह बिट्टू और सतविंदर सिंह कुंदी ने साधकों को 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस के प्रोटोकॉल के आधार पर आसन और प्राणायाम करवाया। योग शिविर में राज्य प्रभारी राजेंद्र शिंगारी ने साधकों को बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस HMV कॉलेज में करवाया जा रहा है, उसके लिए सभी को निमंत्रण दिया। इस दौरान पंजाब भांगड़ा ग्रुप के कोच जसप्रीत और उनकी टीम ने भांगड़ा डालकर बड़ा अच्छा समय बांधा, जिसके उपरांत साईंदा स्कूल के प्रिंसिपल राकेश शर्मा और उनकी टीम ने सभी आए हुए माननीय व्यक्तियों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर युवा प्रभारी अमरजीत सिंह बिट्टू, पतंजलि योग समिति जालंधर के प्रभारी अजय मल्होत्रा, रमेश चुग, ज्योति गुरमीत, विनोद राजविंदर कौर, तेजेंद्र कौर, कोमल टंडन, गौरव गुनिका, शीतल और साईंदा स्कूल व पार्वती जैन स्कूल के बच्चे भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ पतंजलि योग समिति से पधारे आदरणीय श्री राजेंद्र शिंगारी जी, श्री सतविंदर सिंह कुंदी जी का, कि उन्होंने 3 दिन के योग शिविर का हमारे स्कूल के प्रांगण में आयोजन किया। हमारी खुशकिस्मती है कि इस कैंप के माध्यम से हम बच्चों को, अपने अध्यापक जनों को और हमारे इधर इलाके में जितने भी लोग हैं उनको योग की महत्ता के बारे में बता सके। आदरणीय श्री कुंदी जी से, श्री शिंगारी जी से निवेदन है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से इस तरह के योग शिविर का आयोजन ज़रूर स्कूल में किया जाए ताकि जो बच्चे रह गए हैं उनको भी प्रेरित किया जा सके ताकि हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। मैं राजेंद्र शिंगारी, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग समिति राज्य प्रभारी के नाते यहाँ सुंदर प्रांगण जो साईंदा स्कूल पटेल चौक है उनके प्रधानाचार्य प्रिंसिपल राकेश शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास करके सभी बच्चों को और आसपास के इलाका निवासियों को आमंत्रित करके 3 दिवसीय योग शिविर लगवाया और इस श्रृंखला में घर घर तक योग पहुँचाने की इस श्रृंखला में उन्होंने हमें बहुत योगदान दिया। मैं उनका तहे दिल से नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं ऐसा ही हमारा प्रयास चलता रहे, व्यक्ति व्यक्ति तक योग पहुंचे और स्वस्थ भारत का निर्माण हो। इन्हीं शब्दों से मैं सभी जो दैनिक सवेरा के
श्रोता हैं उनसे भी आग्रह करूंगा भी वो योग शिविर में आएं, और कल हमारा जो योग का कार्यक्रम HMB कॉलेज में होने जा रहा है उसमें सुबह 6:45 बजे HMB कॉलेज पहुंचकर सभी इसमें भाग लें और हमारा जो ये क्रम है ये चलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारतीय स्टेट बैंक की GTB नगर की समृद्धि शाखा की ओर से गुरु रविदास नगर के पार्क में गुरु रविदास पार्क मेंटेनेंस एंड वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड के सहयोग से पौधारोपण मुहिम चलाई गई, जिसमें बैंक के आला अधिकारियों ने 50 पौधे लगाए। इस दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने स्तर पर जागरूकता मुहिम चलाने का भी संकल्प लिया। शाखा प्रबंधक पवन बस्सी जी की देखरेख में चलाई गई इस मुहिम में बैंक स्टाफ का भी योगदान रहा। शाखा प्रबंधक पवन बस्सी ने बताया कि मौजूदा परिवेश में पर्यावरण का हाल किसी से छुपा नहीं है। पर्यावरण संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, जो मानव अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण आज हर किसी की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें हर किसी को बढ़ चढ़कर योगदान डालना चाहिए। सोसाइटी सदस्यों ने कहा कि इंसान का पर्यावरण से अटूट रिश्ता है। इस रिश्ते की खूबसूरती को बरकरार रखना आज के समय की मुख्य मांग भी है। वहीं उन्होंने स्टेट बैंक की पौधारोपण मुहिम की जोरदार सराहना की। इस मुहिम के लिए पार्क का चयन करने पर उन्होंने बैंक प्रबंधकों का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक पवन बस्सी, नरेश कुमार, धर्मपाल, ममता और सोसाइटी की तरफ से यशपाल, मनमोहन लाल, महेंद्र सिंह, हरिराम बांगर, रामलुभाया, जीतराम, ओम प्रकाश फौजी, प्रेमनाथ विरदी और सोहनलाल विरदी भी मौजूद रहे। भगवान वाल्मीकि वीर सेना के पंजाब प्रधान हेम प्रकाश उर्फ लक्की वैद्य की तरफ से अपने वरिष्ठ एडवोकेट साईं किरण परिंजा और एडवोकेट प्रवीण कुमार टंडन के द्वारा एक क्रिमिनल कंप्लेंट आदि पुरुष फिल्म के निर्माता, डायरेक्टर, लेखक, डायलॉग राइटर व कलाकारों के खिलाफ जिला कचहरी अमृतसर में शिकायत दर्ज की है। इससे पहले ये कंप्लेंट शिकायतकर्ता के द्वारा DCP अमृतसर को दी गई थी, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए शिकायतकर्ता के द्वारा अदालत का सहारा लिया गया है और IPC की धारा 295A, 148 और 149 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि वीर सेना के उप चेयरमैन बाबा सन्नीनाथ जी, गोरक्षा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रोहन मेहरा और अजय शिंगारी भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि वीर सेना के प्रांतीय अध्यक्ष साढ़े को आए थे। इन्हों की जी शिकायत सी जी फिल्म अज स्क्रीनिंग हो रही है आदि पुरुष नाम तो वो खिलाफ ये इन्हों का रोष सेगा। उन्होंने जो असी ये साढ़े को अपना शिकायत लैके आए से देखा काफ़ी ऑब्जैक्शनेबल कंटेंट्स ने उस मूवी के, बहुत सारे गलत अश्लील डायलॉग भी ने, अश्लील पहनावा भी जिहड़ा वा माता सीता नूं उन्हां ने इस फिल्म च बनाया गया। इन्हां ने इस फिल्म दी जदों 16 तरीक नूं वेखण गए आ और उहदे विच इन्हां ने देखा कह दिया जी इह मिस्टर हेमराज ने लक्की वैद्य नां तों इह पंजाब प्रधान ने भगवान वाल्मीकि वीर सेना दे, इन्हां ने जिहड़ी इह शिकायत जिहड़ी इह लैके आए ने कोर्ट विच, इन्हां ने शिकायत कीती है, कंप्लेंट केस फाइल कीता है। इन्हों की शिकायत यही है कि जी मूवी है ये बहुत सारे अश्लीलता का जरा वा दृश्य फिल्मांकन किया गया है ना, ये सिर्फ दृश्य नहीं बहुत सारी जगह पर डायलॉग जोड़े ने भी ऑब्जैक्शनेबल ने, भी विवादास्पद डायलॉग बोले गए हैं जिन्हें सीधे कोई भी अगर सीधा सीधा तो देखा जाए तो साड़िया धार्मिक भावनावान आहत होंगे किसी भी हिंदू, ये सिर्फ एक इन्हों लक्की जी की गल नहीं है, कोई भी जरा वा धार्मिक हिंदू होएगा वो धार्मिक भावनावान जरूर आहत हो, क्योंकि जिहड़ी वाल्मीकि जी वालों लिखी गई रामायण है वो और इस आदि पुरुष के दर्शाई गई रामायण के जमीन आसमान का अंतर है, ये बिल्कुल एक ड्रामा है, वो साड़ियाँ पीढ़ियां दर पीढ़ियां साड़ी भावनावां नाल धार्मिक भावनावां नाल जुड़ी हुई रामायण है और ये रामायण वो नहीं है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर की PAP ग्राउंड में CM योगशाला का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये योगशाला स्वस्थ और रंगला पंजाब के निर्माण में होगी सहाय। फिलौर पुलिस ने लूटपाट व चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के 3 सदस्यों को किया काबू।
यमुनानगर की आईटीआई के नजदीक एक मोबाइल शॉप में लगभग 20 लोगों ने घुसकर गुंडागर्दी का किया नंगा नाच, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।